चलिए आज हम नया चैप्टर पढ़ते हैं सॉल्यूशंस इसमें पहला टॉपिक है सोल्यूशन एंड इट्स टाइप इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे सॉल्यूशन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन गैस इन लिक्विड सोल्यूशन एंड हेनरीज़ लॉ चलिए हम हमारा फर्स्ट सीवी स्टार्ट करते हैं जो कि है सोल्यूशन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं यहां पर आपने देखा कि पानी है जिसे हम सॉल्वेंट कह सकते हैं और इस सॉल्वेंट के अंदर हमने नमक डाला जो कि सॉल्यूट है तो हम कह सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से बना होता है सॉल्वेंट जिसमें वो डिसॉल्व होता है एंड सॉल्यूट जो कि कम मात्रा में होता है और उसको सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व किया जाता है अब हम रियल लाइफ में सोल्यूशन के एग्जाम्पल देखते हैं आप सबको लगता होगा कि सोल्यूशन सिर्फ पानी या लिक्विड से बनते हैं पर ऐसा नहीं है हमारी रियल लाइफ में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सोल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि एरोसोल्स जो कि हमें डिओड्रेंट रूम फ्रेशनर्स में देखने को मिलते हैं ब्रोन्स जिससे बर्तन बनते हैं ब्रास इससे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे बर्तन बनते हैं आपने घर में देखे होंगे कोल्ड ड्रिंक्स आप सभी ने पी होंगी कोल्ड ड्रिंक्स जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती पर वो भी एक प्रकार का सोल्यूशन होती हैं इसमें लिक्विड के अंदर सीओ टू डिजॉल्व होती है नेक्स्ट है परफ्यूम्स परफ्यूम्स भी एक प्रकार के सल्यूशन होते हैं एंड एयर एयर भी एक प्रकार का सोल्यूशन है ये अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है चलिए अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर हम थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ अपीरियंस सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर हम एक बीकर लेते हैं जिसमें एक सॉल्वेंट मौजूद है अब इस सॉल्वेंट में हम कुछ अमाउंट में सॉल्यूट डाल देते हैं यहाँ पर जो सोल्यूशन दिखाई दे रहा है उसका अपियरेंस एक जैसा नहीं है यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग दिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज अट्रोजीनियस सोल्यूशन अब अगर मैं इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से घोल दू तो हम मुझे मिलेगा एक सोल्यूशन विच इज होमोजीनियस इन नेचर यहाँ पे हमें सब कुछ एक जैसा दिख रहा है सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग नहीं दिख रहे हैं अब हम सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हियर इज अ टेबल विच शोज डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें सोल्यूशन गैस लिक्विड एंड सॉलिड टाइप के हैं जो कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करते हैं यहाँ पर ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इस टेबल को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो सॉल्वेंट का कॉलम अगर हम देखें तो गैसेज सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट गैस होती है लिक्विड सोल्यूशंस में लिक्विड होती है और सॉलिड सोल्यूशंस में सॉलिड होती है अब हम थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन देखते हैं जिसमें हम बेसिस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं यहां पर एक बीकर दिखाया गया है जिसमें प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं अब इसमें अगर हम कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डाल दें तो कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा हमारा सोल्यूशन यहाँ पर अगर हम देखें तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में बहुत कम है तो इसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे अब अगर हम सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर दें तो हम देख सकते हैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है तो हम इस तरह के सोल्यूशन को कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन यहाँ पर हम देखें सेकेंड केस में डाइल्यूट सोल्यूशन के कम्पेरिजन में ज्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं तो हम इस सॉल्यूशन को कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन अस नाउ लर्न अबाउट कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं क्वालिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो कि होती है डायल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड जो कि अभी आपने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा सेकेंड इज क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन में हम सॉल्यूट सॉल्वेंट इन दोनों के मासस वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सब के बारे में जानते हैं इनको इस प्रकार से काफी सारी कैटेगरीज में विभाजित किया गया है अब हम सारी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं मास परसेंटेज के बारे में दिस इज डिफाइंड एज मास दोनेंट इन दी सल्यूशन रिटर्न इन ग्राम्स अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स इन हंड्रेड इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं अगर आपने कभी ग्लूकोज की बॉटल के पीछे देखा होगा तो उसके पीछे कुछ इस प्रकार से लिखा होगा ट्वेंटी परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू और वेट बाय वेट सुगर सोल्यूशन इन वाटर इसका मतलब है कि हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन में ट्वेंटी ग्राम्स शुगर प्रेजेंट है डैट मीन्स अगर हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें ट्वेंटी ग्राम शुगर है एंड एटी ग्राम वाटर है जो कि टोटल हंड्रेड ग्राम्स का सोल्यूशन बना रही है सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम परसेंटेज को लिखें तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कॉम्पोनेंट उसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखते हैं इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ द कॉम्पोनेंट इन एम एल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द दल्यूशन इन एम एल इंटू हंड्रेड फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लिखा हुआ है ट्वेंटी परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर तो इसका मतलब है ट्वेंटी एम एल एल्कोहल इज प्रेजेंट इन हंड्रेड एम एल ऑफ अ सोल्यूशन और ये हंड्रेड एम एल सोल्यूशन बना है ट्वेंटी एम एल एल्कोहल से एंड एटी एम एल वाटर से नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम को हम W बाय वी यानी वेट बाय वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें हम मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम एल इन हंड्रेड लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ट्वेंटी परसेंट वेट बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन इन वाटर गिवन है तो इसका मतलब है ट्वेंटी ग्राम्स ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन हंड्रेड एम एल ऑफ सुगर सोल्यूशन नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 रेस टू द पावर 6 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर निकालने में काम आती है साथ में आप सभी को पता है खारा पानी आता है और कभी कभी अच्छा पानी आता है पीने लायक पानी खारे पानी की कॉन्सेंट्रेशन भी हम पीपीएम में निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन का एक और अच्छा एग्जाम्पल हमें टूथपेस्ट के अंदर दिखता है अगर आप कोई भी टूथपेस्ट लेंगे और उसके पीछे दिए हुए कॉम्पोनेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा पार्ट्स पर मिलियन और पीपीएम में दी होती है वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के आपको एग्जाम्पल्स दवाइयों की बॉटल के पीछे देखने को मिलेंगे उनके अंदर दवाई के जो भी कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के रूप में लिखी होती है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कॉम्पोनेंट को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी दम्पोनेंट्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सॉल्वेंट बी है और उसके अंदर सॉल्यूट ए डाल रखा है अगर एन ए मोल्स ऑफ ए है एन बी मोल्स ऑफ बी है तो हम काइ ए विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट ए हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज ए प्लस एन बी सिमिलरली हम काई बी विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी अगर हम गौर से देखें तो काई ए प्लस काई बी की वैल्यू वन के इक्वल मिलती है चलिए क्विकली मूल फ्रैक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ए फोर मोल्स ऑफ एल्कोहल एंड सिक्स मोल्स ऑफ वाटर आर मिक्स्ड। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इच कॉम्पोनेंट यहाँ पर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल निकालें तो मोल्स ऑफ एल्कोहल आर फोर एंड मोल्स ऑफ वाटर इज सिक्स सो मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल विल बी फोर अपॉन फोर प्लस सिक्स विच इज इक्वल टू पॉइंट फोर अगर हम मूल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालें तो इट इज नंबर ऑफ मूल्स ऑफ वाटर विच इज सिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मूल्स फोर प्लस सिक्स तो हमारे पास होगा सिक्स बाई टेन विच इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहॉल एंड मूल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का सम वन के बराबर है नेक्स्ट हम मोलारिटी के बारे में पढ़ेंगे मोलारिटी को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मूल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन मुलारिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मुलारिटी पर एक क्वेश्चन क्विकली देखते हैं कैलकुलेट दोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग फाइव ग्राम ऑफ एडियो इन फोर फिफ्टी एम ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ पर हम सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं विच इज मास अपॉन मोलर मास सल्यूट यहाँ पे एन है तो एनओ का हम मूल्स निकालें तो फाइव ग्राम अपॉन फोर्टी ग्राम विच इज इक्वल टू पॉइंट वन टू फाइव आता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर हम लिख सकते हैं फोर फिफ्टी बाई थाउजेंड मोलरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मूल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर तो हम लिखेंगे पॉइंट वन टू फाइव अपॉन फोर फिफ्टी इन टू थाउजेंड तो हमारे पास आंसर आएगा पॉइंट टू सेवन एट एम नेक्स्ट है िटी मोलालिटी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के इसको हम लिख सकते हैं मुलालिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी के ऊपर एक क्वेश्चन क्विकली देखते हैं कैलकुलेट दी मोलालिटी ऑफ टू ग्राम ऑफ इथेनोइ एसिड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन तो सबसे पहले हम मोल्स ऑफ सल्यूट निकालते हैं यहाँ पे सल्यूट हमारा इथेनोइक एसिड है विच इज प्रेजेंट इन 2.5 पॉइंट ग्राम्स तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव बाई सिक्सटी विच इज पॉइंट जीरो फोर वन सेवन मोल्स यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा बेंजीन है तो मास ऑफ बेंजीन इन के जी मुलालिटी के फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटिट्यूट करेंगे तो हमारे पास मुलालिटी आएगी 0.834 m